भाई साहब, यजदी की बाइक लॉन्च हो चुकी कुछ समय पहले ही, और जो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में इस टाइम घूम रहा, बढ़िया करके तकड़ा करके घूम रहा, वो पता क्या है? यजदी की रोड स्टार या फिर क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूम रहा है लोगों के दिमाग में, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे भाई। और देखो, कई सारे लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा कि भाई ये इसमें बढ़िया है, ये इसमें घटिया है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़, किसी की बुराई नहीं, किसी की बड़ाई नहीं, जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आज बात करेंगे यजदी की जो तीन बाइक आई हैं उनमें से, जो रोडस्टर है उसकी और क्लासिक 350 या फिर मेट्योर 350 भी आप जोड़ सकते हो। तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बढ़िया है? पहले तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो चैनल भाई देखो मेरा सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी बात मैंने रोडस्टर को चला लिया है, क्लासिक 350 को भी चला लिया है। अभी मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया, रिव्यू पूरा नहीं लेके आ पाया रोडस्टर का, लेकिन जल्दी लेके आऊँगा। और क्या मेरी फीलिंग रही, बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस करी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रोडस्टर में कमाल कर रखी है यजदी ने, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़िया कर रखी हैं चीज़ें। अब तीन चीज़ें यहाँ पर सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यजदी बिल्कुल भी सस्ती बाइक नहीं पड़ने वाली आपको। रोडस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर की बात करूँगा बाद में, आज सिर्फ रोडस्टर की बात करेंगे। तो पहली बात है कि बिल्कुल भी सस्ती नहीं पड़ने वाली भाई, मंदी नहीं पड़ने की बिल्कुल भी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें डुक 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 करके आवाज़ आ जाएगी, तो दिमाग से गलतफहमी काट दियो बिल्कुल। गलत फहमी मत पालना, किसी भी तरह की डुक 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 की आवाज़ नहीं आएगी। एग्जॉस्ट के अगर साउंड बताऊँ ना कैसी है, जो जावा बाइक है ना उसी टाइप की ही साउंड है यजदी की भी, सारी बाइकों की, तो कुछ अलग नहीं है, ना ही डुक डुक है ना थंप है, ठीक है? बल्कि क्लासिक 350 में फिर भी थंप थोड़ी ज़्यादा है, बेस थोड़ा ज़्यादा है उसका। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसमें भी किक नहीं मिलेगी आपको। यजदी की रोडस्टर में तो दोस्तों पहले तो ये बातें हमने कर ली, तो सबसे पहले यजदी की प्राइस के बारे में जान लेते हैं। यजदी की जो रोडस्टर है वो 2,35,000 रुपीज से शुरू हो जाती है। मैं ऑन रोड कीमत की बात कर रहा मेरे भाई, 2,35,000 रुपीज से 2,43,000 रुपीज तक जाती है ये, अलग अलग कलर्स के हिसाब से इसके वेरेंट है। 1,98,000 से 2,06,000 रुपीज़ तक इसकी एक शोरूम कीमत है, तो उसके हिसाब से तो सस्ती नहीं है बिल्कुल भी। अब जो मुझे जो बहुत बढ़िया चीज़ लगी यजदी की बाइकों में, तीनों बाइकों की मैं बात कर रहा हूँ, रोडस्टर भी आ जाती है, तीनों में ही सेम इंजन है, और इंजन की रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है, इंजन की रिफाइनमेंट बहुत अच्छी लगी मुझे, फीचर्स बहुत अच्छे लगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा लगा। और बारी बारी से मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बढ़िया हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की, पर्सनल चॉइस होती है, किसी आदमी को कोई चीज़ बढ़िया लगे, किसी आदमी को कोई चीज़ बढ़िया लगे। यजदी डेफिनेटली रोडस्टर बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। आपको एक बार देखने के बाद ना इसको ऐसा लगेगा जैसे हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750, इस तरह का डिज़ाइन कुछ आपको लगेगा, और बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से बना रखी है बाइक को, नो डाउट। दोनों की डिज़ाइनिंग बढ़िया है, क्लासिक 350 और रोडस्टर की। देखो क्लासिक 350 की डिज़ाइनिंग ऐसी है जो शायद ही ज़िंदगी में कभी पुराना लगे, हालांकि जो नए वाली हमारी क्लासिक 350 है उसमें बहुत सारे लोगों को उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, बैक साइड अच्छी नहीं लग रही या जो भी कुछ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो उसी के ऊपर ही आधारित है वो, और कहीं से भी डिज़ाइन उसका बुरा नहीं लगता। तो क्लासिक 350 का डिज़ाइन ऐसा है कि जो कभी मुझे लगता है ज़िंदगी में कभी पुराना होएगा ही नहीं, और यजदी का डिज़ाइनिंग एक बिल्कुल नया है, जो भी बंदा उसको देखेगा रोड पे अगर आप लेके निकलोगे तो डेफिनेटली मुड़ के जरूर देखेगा कि भाई क्या चीज़ है, क्या लेके आए है। तो डिज़ाइनिंग में दोनों बाइक बहुत बढ़िया है। बात कर लेते हैं कंफर्ट की। देखो मैंने यजदी को जब चलाया, कंफर्टेबल है, रोडस्टर की बात कर रहा हूँ, और क्लासिक 350 जो नए वाली है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि अगर आप हाईवे पे उसको चलाते हैं बाइक को, या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चलाते हो, तो डेफिनेटली क्लासिक 350 ज़्यादा आराम देने वाली है आपको, तो वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया लगी।
अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। 6 स्पीड गेयरबॉक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है SD का और रिफाइंड इंजन है। क्लासिक का भी रिफाइंड इंजन है लेकिन उतना रिफाइंड नहीं है, पावर्स थोड़ी कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक इंजन है। लेकिन जब हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं भाई तो SD का इंजन ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं माइलेज की। देखो अभी तक मैंने माइलेज नापा नहीं है, बिल्कुल सस्ते की बात बताऊँगा। क्लासिक 350 का जो माइलेज है, क्लासिक 350 अराउंड 35-40 किलोमीटर एक एवरेज हम नाप लेते हैं, इतना माइलेज मिल जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर आप SD को देखें तो वहाँ पर आपको माइलेज जो है 30-35, बहुत मुश्किल से 35 मिल पाएगा और कम ही मिलेगा, क्योंकि पावर इंजन में ज़्यादा दे रखी है तो माइलेज पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का और माइलेज आपको कम ही मिलने वाला है। टॉप स्पीड की अगर बात करूँ, टॉप स्पीड जो है SD की ज़्यादा है, आप अराउंड 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ले सकते हैं SD से और 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप आराम से अचीव कर सकते हैं क्लासिक 350 से। तो पावर वगैरह हर चीज़ देखी जाए तो मुझे SD की ज़्यादा बढ़िया लगी है। और दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, SD जो है ना उसकी हैंडलिंग वगैरह ऐसी है, जब मैंने उसको चलाई तो मुझे ऐसा लगा जो सिटीज़ में जो ज़्यादा ड्राइव करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। सिटीज़ वगैरह में अगर आप चलाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है और फर्स्ट क्लास बाइक है उनके लिए, क्योंकि हैंडल उसका इस तरीका दिया हुआ है कि सिटी में चलाने में हेल्पफुल है। वहीं पर क्लासिक 350 जो है मुझे हाईवे के लिए ज़्यादा बेटर लगी और ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। दोस्तों एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आ गई होगी कि ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इशू तो नहीं है SD की बाइक में। तो देखिए, जो जावा है और जो SD है दोनों कह लीजिए आप महिंद्रा के अंडर ही काम कर रही हैं और महिंद्रा की ही दोनों कंपनियां हैं। जावा की बाइक्स में ये इशू हमेशा बना रहता है कि ग्राउंड क्लियरेंस का जो इशू है वो बना रहता है, लेकिन SD की बाइक में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, तो कोई भी इशू नहीं है। 170-175 की ग्राउंड क्लियरेंस है और क्लासिक की भी 170 है, तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है इस तरह का। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो देखिए SD एक नई बाइक है और आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बात आपको कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई SD लूँ या क्लासिक 350 लूँ, तो सबसे पहले आप टेस्ट राइड करके देखें दोनों बाइकों की और अपने आप से सवाल करें कि आपको दोनों में से कौन सी बेटर लगी। हैंडलिंग बहुत बढ़िया है सिटी के हिसाब से, तो फर्स्ट क्लास बाइक है SD। लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल एक चाहते हो कि भाई कोई इशू आए तो फट से सोल्व हो जाए, कहीं भटकना ना पड़े, तो और रिलायबल एक चीज़ चाह रहे हैं कि भाई हाँ ये एक जांची परखी हुई चीज़ है, बिल्कुल इस तरह कोई चीज़ चाह रहे हैं, और आपको साथ साथ हाईवे पे काफ़ी राइड करना पड़ता है, लंबी राइड करनी पड़ती है, एक हाईवे पे जो फील आनी चाहिए बाइक की, वो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए तो आप जाइए फिर क्लासिक 350 के साथ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अभी भी क्लासिक 350 के साथ जाऊँगा। मैं SD डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन जब मैंने क्लासिक 350 को चलाया था और जब मैंने SD को चलाया तो कुछ कुछ चीज़ों में मुझे क्लासिक 350 ज़्यादा अच्छी लगी, तो मेरी अभी भी मैं क्लासिक 350 को ज़्यादा पसंद करूँगा। और दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ, जो जो मैंने कंपैरिजन किया है ये क्लासिक 350 का और SD का किया है, रोडस्टर का, ये मैंने कहीं भी बुलेट का कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि भाई बुलेट को जो चाहने वाले लोग हैं, जो बुलेट को लेने वाले लोग हैं, उनका कोई दिमाग में कुछ है ही नहीं, है ना, वो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है बुलेट के साथ में और वो बुलेट के साथ ही जाएंगे। तो ये कंपैरिजन क्लासिक और SD रोडस्टर का था, ना कि बुलेट और SD रोडस्टर का। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।